आज मैं आपको ये क्वेश्चन वन जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन वन है आप देख सकते हैं ये क्लास नाइन्थ की सीबीएसई की मैथ्स की ओसवाल सैंपल पेपर की ये बुक है, ठीक है। और इस सैंपल पेपर की बुक में 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में उनके सारे क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए हुए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है ये मैथ्स की बुक में आप देखिएगा लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, यानी कि हम मैं आपको जो क्वेश्चन वन जो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2014 को आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इफ द एंगल्स आर 2x-7° कॉमा x प्लस 25° एंड 3x+12°। यहाँ पर देखिए क्या बोला हमें इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन है। पहले में क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है ना, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। और इसी का सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जब हम ये प्रूफ कर लेंगे उसके बाद इसी प्रूफ के जो हम प्रूफ करके दिखाएंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया है कि जो रिजल्ट आएगा हमारा उसके हिसाब से हमें यहाँ पर देखिए वो उस ट्रायंगल का ये 3 एंगल दिया हुआ, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये है, ये क्या है ना, ये तीनों एंगल हैं, हाँ उनकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हमें इसी जो प्रूफ मैंने किया है उसी की हेल्प से कि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, इसी की हेल्प से हमें यहाँ पर ये जो 3 एंगल की जो वैल्यू दी हुई है ना इसमें से हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ द प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ, देखिए लिखेंगे कैसे, टू प्रूफ है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये थ्योरम है, ठीक है। हमें ये थ्योरम प्रूफ करना है तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल दिया हुआ तो नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया ए। देखिए ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये है वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ये एंगल है, दूसरा ये है और तीसरा ये एंगल, ठीक है। तो हम एंगल का नाम लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है इन तीनों एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो एंगल ए है ना इसका यहाँ पर इस एंगल का नाम हम देते हैं एक्स, इसका हम नाम दे देते हैं वाई, इसका इस एंगल का नाम हम दे देते हैं जेड। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये एंगल का जो सम है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, हमें ये यहाँ पर शो करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बी सी, ये लाइन है बी सी है, ट्रायंगल का ये साइड बी सी है, इस लाइन बी सी के पैरेलल एक हम लाइन जो है बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये हमने एक लाइन जो है बी सी के पैरेलल, देख सकते हैं बी सी और ये लाइन एकदम पैरेलल है, इसका नाम देते हैं एम। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एम पैरेलल बी सी, ये एम लाइन है और ये किसके पैरेलल है, ट्रायंगल का जो ये साइड बी सी है ना इसके पैरेलल है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक लाइन जो है बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है एम, ये कंस्ट्रक्ट किया गया एम पैरेलल बी सी, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये एंगल, देखिए ये जो एंगल इसका हम नाम देते हैं 1 और ये जो एंगल है ये इसका नाम देते हैं 2। देखिए ये है एक्स, ये पूरा एंगल, और ये है अब 1, इस एंगल का नाम 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो अब देखिए बी सी जो है एम के पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो आपने पैरेलल लाइन से एंगल से पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है और कोई लाइन ऐसे कट करके जाती है, तो ये वाला एंगल ये एंगल, यानी कि मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको मैं 2 मान लेती हूँ, इसको मैं 3 मान लेती हूँ, इसको मैं 4 मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये दो लाइन है एम और एन, ये आपस में पैरेलल है एम पैरेलल एन, और ये एक लाइन जो है ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। और ये लाइन जो है क्या कर रही है, दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो अगर ऐसा है कोई भी दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन ट्रांसवर्सल दोनों लाइन को कट करके जा रहा है, तो यहाँ पर 1 एंगल और एंगल 2 ये आपस में क्या होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 1 एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है एंगल वन और एंगल टू जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से देखिए इस एंगल का नाम यहाँ पर मैं देती हूँ, यहाँ पे मैं देती हूँ फोर और ये फाइव है और ये है सिक्स, ठीक है। अच्छा, जैसे वन और टू एंगल वन और एंगल टू इंटीरियर एंगल है, उसी तरह से ये फाइव एंगल फाइव और एंगल फोर, ये एंगल फाइव और ये एंगल फोर, ये भी क्या है, क्या अल्टरनेट, मैं यहाँ पर देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट ये ए मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे वन और टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों इंटीरियर क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में एंगल बन रहा है, एम और एन जो लाइन है उसके अंदर में बन रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर बोला गया। तो एंगल वन और टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, उस तरह से एंगल फाइव और एंगल फोर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, बी सी और एम। तो आप देख सकते हैं ये एंगल वन और एंगल वाई अल्टरनेट, और ये बी बी ए क्या है, देखिए इसको इसमें डायग्राम से मैं इसको समझा दूँ। यहाँ पर ये एम लाइन है ना, मैं यहाँ बना के समझाती हूँ, ये मेरा है एम लाइन, यहाँ पर ये एम लाइन और ये बी सी लाइन, यही दो लेकर मैं चल रही हूँ और इससे समझाऊंगी कि कैसे यहाँ से आपको इंटीरियर एंगल मिलेगा। ये हो गया बी सी लाइन। अच्छा, अब ये देखिए बी ए, ये बी ए जो बन रहा है ना, बी ए ये रहा बी ए, ठीक है। ये बी सी हमारा क्या है, बी सी और ये और ये आपस में पैरेलल है, इसको थोड़ा सा और आगे हम ऐसे डैश डैश करके बढ़ा सकते हैं, भाई लाइन है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया। अच्छा, ये बी ए कौन सा, ये वाला लाइन है, ले लिया। तो देखिए आप इसको और इसको आपस में कंपेयर कीजिए, आप देख सकते हैं कि ये एम जो है बी सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है और बी ए जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ ये एंगल वन बनना है, ये एंगल वन मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल वन यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये क्या है वाई है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल वन और एंगल वाई आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना, होंगे ना। तो यहाँ से हमने क्या पता किया कि एंगल वन जो है एंगल वाई के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह से देखिए, जैसे मैंने ये बी ए लाइन लिया है ट्रांसवर्स, उसी तरह से ए सी भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है। आप ये वाली लाइन भूल जाइए, अब ये वाली लाइन देखिए, ये एम है और ये बी सी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ए सी क्या है, वो लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बी ए लाइन भूल जाइए। तो इस हिसाब से ये एंगल टू और एंगल जेड आपस में बराबर होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्या हुआ, एंगल टू और एंगल जेड, एंगल टू और एंगल जेड क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके नीचे मैंने कॉमा लगा दिया, डबल कॉमा, ठीक है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल सम होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर जो टोटल सम होता है ये कितना होता है, पूरा 180 के बराबर होता है ना। तो उसी तरह से देखिए ये एम लाइन है, एम लाइन है, मैं इसको ऐसे पलट दूँ, ऐसे केवल इस पर ध्यान दीजिए, ये लाइन है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 के बराबर होगा, ये पूरा एंगल, यानी कि ये एंगल टू और एक्स और वन, ये देखिए यहाँ पर इस ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल टू है, दूसरा एक्स और एंगल वन है, और मैंने बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल का सम क्या होता, टोटल एंगल क्या होता है, 180 होता है, यानी कि एंगल टू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वन, ये तीनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ, किस तरीके से लिखेंगे, एम इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर इस जितने भी एंगल इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, इस पर टोटल एंगल 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल टू क्या हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल टू क्या हो जाएगा, ये 180 के बराबर होगा, होगा ना, हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एंगल वन किसके बराबर है, एंगल वाई, तो हम इस एंगल वन की जगह एंगल वाई लिख सकते हैं, प्लस ये एंगल एक्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल टू, देखिए एंगल टू किसके बराबर है, एंगल जेड के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल जेड इक्वल टू 180, इसको हम और सीरियली लिख दें, एक्स पहले लेते हैं एंगल एक्स, और फिर इसके बाद वाई लेते हैं, फिर ये एंगल जेड, जस्ट इसको हमने सीरियली लिख दिया, एंगल एक्स पहले लिख दिया, एंगल वाई बाद में, फिर एंगल जेड बाद में, तो इन तीनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया ना, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करना बहुत ईजी है, जस्ट आप इस किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप अल्टरनेट एंगल्स पता कर लीजिए, इजिली ये जो थ्योरम है बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये चार नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, कि जो हमने प्रूफ किया उसी के रिजल्ट से हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि इस ट्रायंगल का तीन एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ, देखिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल पहले बना देती हूँ, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है, देखिए तीन एंगल दिए हुए हैं, ये देखिए पहला एंगल क्या है, 2x-7, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये है वो एंगल 2x-7, ये हो गया, ठीक है,
यहाँ पर ये डिग्री मैंने लगा दी है 2x-7। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 35। तो इसको मानिए ये एंगल दिया हुआ है एक्स प्लस 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे दिया। तीसरा एंगल क्या दिया, 3x+12। देखिए ये एंगल दिया हुआ है 3x+12, ठीक है, ये दे दिया। मैं यहाँ और साफ साफ लिखती हूँ, एंगल ए है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x-7। ये एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ए का वैल्यू 2x-7 दिया हुआ है। और फिर एंगल बी कितना दिया हुआ है, x+25 ये दिया हुआ है। और एंगल सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x+12 ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने तो एक थ्योरम प्रूफ कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यानी कि थ्योरम के हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 के बराबर होगा। थ्योरम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, सम ऑफ द, ये लिखना होगा आपको, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो जब भी आप तीनों एंगल ऐड करेंगे ना किसी भी ट्रायंगल का, तो यहाँ पर ये थ्योरम लिखना होगा, ये थ्योरम है। तो थ्योरम के हिसाब से इन तीनों एंगल का सम 180 हो गया। अब एंगल ए किसके बराबर है, 2x-7 यहाँ लिख दीजिए। इस एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू 2x-7 दी हुई, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, x+25 प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x+12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x+12। तो एंगल ए की वैल्यू लिख दिया मैंने, एंगल बी का भी लिख दिया, एंगल सी का भी लिख दिया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, 180 दिया लिखा हुआ। अच्छा देखिए, अब एक्स एक्स देखिए, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, और तीनों का एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐड कीजिए 2x+x, ये 3x हो गया। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6x हो गया। अब नंबर देखिए, ये -7 है और ये +25 है और ये +12 है। तो +25 और +12 ये दोनों पहले जोड़ दीजिए, तो 25 और 12 क्या होगा, 25 और 12 हो जाएगा 37। ये दोनों जोड़ने पर 37 हो गया। अब 37 में और ये -7 है, तो 37 में से 7 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6x+30 हो गया, 30 हो गया ना, इक्वल टू ये क्या है, 180। ये तो बहुत ईजी है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। अब ये 30 है, पॉजिटिव है, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 30 को इधर साइड लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, +30 है, इसको दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो 9 निगेटिव हो जाएगा। 180 में से 130 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 150 डिग्री। अच्छा, हमें ये 6x किसके बराबर आया, 150 के बराबर। तो 6x हमारा आया 150 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी 150, और ये जो 6 है इंटू में है, तो ये 6 जो है इंटू में इधर साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितनी आई, 25 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इसी थ्योरम से प्रूव हुआ, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसका जो सेकंड पार्ट है, इस थ्योरम की हेल्प से प्रूव हुआ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर थ्योरम जो है प्रूव करके दिखाना था, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।